वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कैनेडियन फ्रेग्रेंस, आई एम गीतिका। तो आज एक बहुत स्पेशल डे है क्योंकि आज से स्कूल रीस्टार्ट हो रहे हैं। सो अभी अहान का है आज फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। अहान इज वेरी एक्साइटेड। या सो लेट्स गो टू स्कूल और अहान को आज दिखाते हैं यहाँ का स्कूल कैसा है। एंड आज रिपोर्टिंग कुछ 8:15 के आसपास है। आई गेस ऑल द पेरेंट्स हैव ऑलरेडी अराइव्ड। तो काफ़ी रश लग रहा है, स्कूल के बाहर ही हैं हम। तो अभी अंदर जाते हैं एंड लेट्स ऑल्सो शो यू। अहान को स्कूल ड्रॉप कर दिया है एंड ये अहान का एक फाइल मिला हमें स्कूल से। सो दिस फाइल इज अबाउट दैट कि किड्स को कुछ फॉर्म साइन करके हमें देने हैं एंड उनकी कुछ परमिशंस। देन इसमें देयर इज सम स्क्रीनिंग फॉर्म्स जिसके लिए हमें जो हमें एवरीडे फिल करके इनको देना है बच्चों को, दैट किड्स आर डूइंग फाइन एवरीडे। तो जैसे अब अहान अभी स्कूल गया हुआ है और हम वेट कर रहे हैं उसका कि वो कब आएगा, वो क्या कर रहा होगा स्कूल में। तो मैं और दिव्या दोनों पूरा दिन शायद अब यही सोचते रहे, तो उसके टाइम देखते रहे कि वो कब छुट्टी होएगी, हम लेने जाएंगे। आई नो कि जो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल हर बच्चे का बहुत डिफरेंट होता है एंड बिकॉज यहाँ पे लास्ट ईयर कोविड की वजह से अहान स्कूल नहीं जा पाया, सारा साल ऑनलाइन रहा। पर अब उसका ये फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था तो हमारे लिए इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। तो अब हम हैं एक्साइटेड भी हैं, डरे भी हुए हैं लाइक हाउ इज गोइंग टू रिएक्ट। और वो उसके लिए मेमोरेबल बनाने के लिए हम इसको शूट भी कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर वो इसे देखे और याद करे। एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू और एज अ पेरेंट आप में से कौन ऐसा है जो ऐसे एक्साइटेड जिसने फील किया था, या फिर आपके खुद के फर्स्ट डे ऑफ स्कूल और फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज इतने एक्साइटिंग थे जो आपको याद है। तो कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आपको भी अपने बच्चों के फर्स्ट डे ऑफ स्कूल याद हैं, या आप भी एक्साइटेड हो कि फ्यूचर में वो फर्स्ट डे कैसा होगा, या आपके अपने फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज कैसे थे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो ही इज़ डूइंग वेल एंड जैसे वो वापस आता है लेट्स शूट हिज रिएक्शंस ऑल्सो। तो वो भी आपको दिखाते हैं। सो गाइज, हमें एक ये फॉर्म मिला था सुबह फिल आउट करने के लिए फॉर अहान, जो हमें साइन करके वापस करना था। इसके अंदर लंच परमिशंस थी या कुछ जो पिकअप परमिशन थी कि कौन लेने आएगा बच्चे के साथ, कौन होगा एवरी डे ओनली, क्योंकि यहाँ पे वेरी क्लियरली अगर आप जो नाम दोगे उन्हें वही बच्चे को पिक कर सकते हैं, उसके अलावा दे कैन नॉट गिव द चाइल्ड टू एनीबॉडी। एंड लंच के लिए यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी प्रोविज़न है कि अगर आप उन्हें अभी एक लंच रिक्वेस्ट फॉर्म साइन करके दे दो तो एट द टाइम ऑफ लंच आप बच्चे को लेके 1 आवर के लिए घर भी आ सकते हो, लंच करके घर से वापस भी जा सकता है।
सो एज यू कैन सी हम स्कूल पहुंच गए हैं एंड हमारे अलावा और भी बहुत सारे पेरेंट्स पहुंच गए हैं। अब हमें ये फॉर्म्स वापस करने हैं। इसके साथ हमें एक स्टूडेंट स्क्रीनिंग पासपोर्ट भी मिला है दैट वी हैव टू साइन एवरी डे। तो एवरी डे जब बच्चा स्कूल आएगा तो हमें इसको दिखाना है दैट वी हैव साइंड। उसके अंदर है कि द चाइल्ड और एनीबॉडी इन द फैमिली इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी कोविड सिम्टम्स। तो एवरी मॉर्निंग हम उसे दिखाएंगे एंड देन ओनली हम बच्चे को ड्रॉप कर सकते हैं। एंड नाउ इज द पिकअप टाइम। यहाँ पे बसेस भी आ चुकी हैं और बहुत सारे पेरेंट्स हैं, सबको फॉर्म्स वापस करने हैं एंड तो सब पेरेंट्स टीचर से मिल के ही जाएंगे। एंड यहाँ से सारा रश दिख रहा है। Yeah, it's. I think it's just 1 or 2 minutes to go. Parents are bahar wait kar rahe. So let's go. Ahan ko pick karne. And to dekhte hain usse kaisa laga uska first day. Let's go. हाँ जी, क्या क्या किया था स्कूल में? ओके क्या नहीं बोला? कुछ नहीं किया अनु ने। टॉयज दिए थे, टीवी भी देखा था। क्या था टीवी में? कैसा लगा? अच्छा लगा? पूरा दिन फन था? बहुत फन था। इट्स ओके, ये फन स्कूल में प्ले करने ही जाते हैं, टीच करने थोड़ी जाते हैं। आप स्मॉल हो अभी। सो ओवरऑल अहान का फर्स्ट डे बहुत अच्छा गया। एज उसने बताया, उसने प्ले किया, खाना खाया, उसने कुछ फ्रेंड्स भी बनाए, उसके टीचर से बातें करी। सो ओवरऑल इट वॉज अ गुड डे एंड ये मेमोरेबल रहेगा हमेशा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, डू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अहान से बाय बाय।